जय गौ माता जय गोपाल। मैं शिवराज जयपुर राजस्थान से 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम तमिलनाडु से संपूर्ण भारत की ये पदयात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा को अभी तक 18 महीने हो चुके हैं। 18 महीने के दौरान अभी तक 17 राज्यों की पदयात्रा हो चुकी है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान होते हुए अब ये यात्रा गुजरात की ओर प्रस्थान करेगी। इस यात्रा में अभी तक 10,700 किलोमीटर की पदयात्रा हो चुकी है। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो, देसी गौवंश को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, सभी गौशालाएं नस्ल सुधार का कार्य करें, गौ रक्षा हो, गौ संवर्धन हो, ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। जय गौ माता जय गोपाल। मैं शिवराज जयपुर राजस्थान से 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम तमिलनाडु से संपूर्ण भारत की ये पदयात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा को अभी तक 18 महीने हो चुके हैं। 18 महीने के दौरान अभी तक 17 राज्यों की पदयात्रा हो चुकी है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान होते हुए अब ये यात्रा गुजरात की ओर प्रस्थान करेगी। इस यात्रा में अभी तक 10,700 किलोमीटर की पदयात्रा हो चुकी है। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो, देसी गौवंश को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, सभी गौशालाएं नस्ल सुधार का कार्य करें, गौ रक्षा हो, गौ संवर्धन हो, ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है।